हेलो क्लास फिफ्थ, लेट्स कंटिन्यू योर साइंस चैप्टर 3। अ स्प्रेन इज़ अ ट्विस्ट इन द एंकल और द रिस्ट। जब आपका पैर का टखना या कलाई मुड़ जाए तो उसे मोच कहा जाता है। द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज़ वेरी पेनफुल। जब मोच आती है तो वो पार्ट सूज जाता है और उसमें बहुत दर्द होता है। रेस्ट द इंजर्ड लिम। आपको क्या करना है, जहाँ पर जिस पार्ट में आपको चोट लगी है, लिम मीन्स पार्ट, जिस पार्ट में आपको चोट लगी है उसे रेस्ट करने दें, उसे हिलाए ना। एंड इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड। वहाँ पर एक इलास्टिक की बैंडेज लपेट लें अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। इससे क्या होगा, इस तरह से प्लास्टिक की बैंडेज लपेटने से ये पार्ट जहाँ मोच आई है ये हिलेगा नहीं और इसे रेस्ट मिलेगा। सोक द स्प्रेन जॉइंट इन वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाई एन आइस पैक द फर्स्ट डे। जिस भी पार्ट में आपको मोच आई है, कलाई में या पैर में, उस पार्ट को आपको ठंडे पानी में डालना है या फिर वहाँ पर आइस रखनी है। ऐसा आप फर्स्ट डे कर सकते हैं, फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, और सेकेंड डे भी कर सकते हैं। इट कैन बी सोक इन वॉर्म वाटर 2 or 3 times a day। आप गर्म पानी में भी अपने जिस पार्ट में मोच आई है उसको डाल सकते हैं। दिस विल हेल्प इट टू हीट। इससे क्या होगा, उस पार्ट को गर्मी मिलेगी। नेक्स्ट है की टर्म्स फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मीन्स क्या होता है, अ ब्रोकन बोन। जब आपकी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। स्ट्रेन यानी कि मोच और ट्विस्ट इन द जॉइंट्स ऑफ द एंकल और द रिस्ट। जब आपके पैर का टखना या कलाई मुड़ जाए तो उसे मोच कहते हैं। टोनिकी अ टाइट बैंडेज दैट हेल्प टू अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग। ऐसी पट्टी जिसे कि खून रोकने के लिए बांधा जाता है उसे टोनिकी कहते हैं। स्लिंग अ बैंडेज और ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। ऐसी पट्टी या कपड़े का टुकड़ा जो ट्राइंगल होता है। लूप राउंड द नेक टू सपोर्ट द इंजर्ड आर्म। जिसे आपकी नेक में डाल दिया जाता है किस लिए, ताकि आपकी जो आर्म में चोट लगी है बाजू में उसको सपोर्ट मिले, सहारा मिले। स्प्लिंट मीन्स क्या होता है, ए स्ट्रिप और रिक। ऐसी पट्टी मटेरियल यूज फॉर सपोर्टिंग इमोबिलाइजिंग अ ब्रोकन बोन। ऐसी पट्टी जिसको आप टूटी हड्डी को सपोर्ट सहारा देने के लिए बांधते हैं। नेक्स्ट है की पॉइंट्स। मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी आर केयरफुल। अगर आप सावधान हैं तो आप बहुत सी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। फायर कैन बी पुट ऑफ बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। आप हवा को रोक कर आग को बुझा सकते हैं, थ्रोइंग सैंड एक्सेट्रा, या फिर उसके ऊपर रेत भी, मिट्टी भी डाल सकते हैं, इससे आग बुझ जाएगी। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ वाउंडेड पर्सन बिफोर मेडिकल एड अराइव। प्राथमिक चिकित्सा वह प्रक्रिया है जो किसी घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। माइनर बर्न इंजरी शुड बी वॉश। अगर कभी छोटा मोटा जल जाए या घाव हो जाए तो उसको पहले धोना है विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से। एंड एन एंटीसेप्टिक शुड बी अप्लाई ऑन इट। और इस पे आपने एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, यानी कि रोगाणुरोधक क्रीम। ए वाउंड शुड बी क्लीन प्रॉपरली। कभी कोई चोट लग जाए, आपको घाव हो जाए तो उसे साफ करें। एंड एंटीसेप्टिक शुड बी अप्लाई ऑन इट। और इस पे रोगाणुरोधक यानी डेटोल जैसी कोई चीज़ लगा लें। सेवर बर्न वाउंड एंड एनिमल बाइट रिक्वायर प्रॉपर ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर। जब भी आपको जल जाए, चोट लग जाए या कोई एनिमल, कोई जानवर आपको काट ले, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे इलाज करवाना चाहिए। इन केस ऑफ ब्रोकन बोन, अगर आपकी हड्डी टूट जाए और स्प्रेन या फिर मोच आ जाए, डू नॉट मूव द अफेक्टेड पार्ट एंड इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर।
तो उस भाग को आप अपने बॉडी के उस पार्ट को हिलाए ना और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज कैन बी कॉज बाय अ कैट और अ डॉग बाइट। कैट और डॉग के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है रेबीज। रेबीज वो बीमारी है जो आपको कैट या डॉग के काटने से होती है। नेक्स्ट है, ये बीमारी कब होती है? जब आप कैट या डॉग के काटने पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें। हाउ इज स्प्रेन आइडेंटिफाई? अगर मोच आ जाए तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? तो इसका आंसर है, अ स्प्रेन इज अ ट्विस्ट इन द एंकल और द रिस्ट। द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज वेरी पेनफुल। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, व्हाट शुड बी डन इन केस पर्सन क्लोथिंग कैच फायर। अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना है? आपको करना है, देखिए आंसर यहाँ से स्टार्ट करें, इफ़ क्लोथ कैच फायर रोल ऑन द ग्राउंड दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर एंड पुट्स इट आउट। इफ अ ब्लैंकेट और रग इज अवेलेबल रोलिंग अप इन इट इज मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रैक्चर, व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? अगर फ्रैक्चर हो जाए तो आप क्या करेंगे? आंसर है, व्हेन वी गेट अ क्रैक इन एनी बोन वी विल कॉल इट अ फ्रैक्चर। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट। इफ फ्रैक्चर इज इन द आर्म ट्राई अ स्लिंग एंड यूज अ स्प्लिंट टू रेस्ट द आर्म इन इट। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है, आपको लेसन थर्ड कंप्लीट रीड करना है और जिस जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं आपको उस तरह से उनको लिखना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।